जो डेंगू शहर में अपना पांव पसार रहा है, तो इसके लिए अविलंब फॉगिंग की व्यवस्था हो और जितने भी वैसे जल जमाव वाली जगह हैं वहां से जल निकासी अविलंब नगर निगम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। तो हम नगर निगम प्रशासक से आग्रह करना चाहते हैं, जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो जितने भी तालाब हो उसका सफाई हो, उसका रंग रोगन हो। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में नगर निकाय का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 10 और 20 अक्टूबर को बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना था, लेकिन ठीक इससे पहले हाईकोर्ट का फैसला आया और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया। एक तरफ तो ये खबर है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अभी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो डेंगू का प्रकोप है। लगातार जो बिहार में डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं जो बिहार के तमाम जिले हैं वहाँ से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस समस्या से जिले को निजात दिलाया जाए। ऐसे में अब जो खबर आई है वो बेगूसराय से है। बता दें कि बेगूसराय के पूर्व मेयर सह जेडीयू प्रवक्ता हैं संजय कुमार, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कई सारे अपनी मांग रखी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ मांग है संजय कुमार की। पूजा जो समाप्त हुआ और बारिश जब हुआ ना कहीं लोगों को बहुत सारी परेशानी, हर जगह टूटी हुई सड़कें पर जल जमाव, कीचड़। तो आगे लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है और दीपावली जो सफाई का एक सबसे बड़ा पर्व हम लोग जिसको मानते हैं, तो हम नगर निगम प्रशासक से आग्रह करना चाहते हैं जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो जितने भी तालाब हो उसका सफाई हो, उसका रंग रोगन हो और टूटी हुई सड़कें को अविलंब मरम्मत किया जाए ताकि उसे छठ व्रत में आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो, जो दंडवर्ती दंड देते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए जितने भी लाइट खराब पड़े उसको ठीक करवा दें, टूटे हुए नाले के ढक्कन को अविलंब ठीक करवाया जाए और लोहिया नगर में जो जल जमाव है वहाँ से लोहिया नगरवासी काफ़ी परेशान हैं, उसको ठीक करवाया जाए। और सबसे बड़ी अभी जो मुसीबत शहरवासियों के लिए हो रहा है, जो डेंगू शहर में अपना पांव पसार रहा है, तो इसके लिए अविलंब फॉगिंग की व्यवस्था हो और जितने भी वैसे जल जमाव वाली जगह हैं वहां से जल निकासी अविलंब नगर निगम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। यही आज मैंने नगर निगम प्रशासक को एक लिखित आवेदन दिया है और उनसे आग्रह किया है जो आने वाले दिन में जो लोक आस्था का महापर्व है वो लोग हम लोग शांति से मना सके नगर निगम वासी। और आपके प्रयास से अगर आप चाहेंगे तो निश्चित ही जो पर्व त्यौहार हैं वो आराम से लोग मना सकते हैं, करवाया जाए ताकि वैसे बहुत सी सड़कें हैं जो लोगों के लिए बनना आवश्यक है। सड़क जो रतनपुर चौक से लेके विष्णुपुर और पशपुरा और रामदेवी मध्य विद्यालय 2018 से 2019 में 2021 में माननीय पार्षद विक्की देवी जी और जहाँ तहाँ जो नाले के ढक्कन वो टूटे पड़े हैं, जैसे चुनाव के दरमियान साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे जितने भी निगम अविलंब उस तमाम नाले को ढक्कन से आच्छादित करे, क्योंकि बात करके आनंद में उन्होंने की रिजर्वेशन कर दिया, जिसके चलते नॉमिनेशन करने के बावजूद देखिए निर्णय आया और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर हम जैसे लोग। इस वीडियो में फिलहाल लेते हैं, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।